नमस्कार, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा सातवीं की संस्कृत की बुक से दसवां पाठ, दसवां पाठ का गीतोपदेश। ये भगवत गीता से चुने हुए कुछ श्लोक हैं। भगवत गीता जो कि संपूर्ण विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है, सबसे पुरानी जीवित सभ्यता है, जिसके अंदर फिलॉसफी, दर्शन, विज्ञान इत्यादि अनेक विषयों का संकलन है एक छोटे से ग्रंथ के अंदर, 700 श्लोकों के अंदर। आज से 5000 वर्ष पूर्व जो कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर कहा गया उपदेश था अर्जुन के प्रति। तो भगवान श्री कृष्ण इसमें क्या कह रहे हैं, भगवद्गीता के कुछ श्लोक यहाँ पर है। पहला श्लोक है, न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसका अर्थ है न जायते, यानी ये आत्मा जो है इस शरीर के अंदर रहने वाला देही, हम ये शरीर नहीं बल्कि हम आत्मा है। ये शरीर का विनाश हो जाता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरता। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न जायते, ना ये कभी जन्म लेता है, म्रियते वा कदाचिन ना ये कभी मरता है, नायं भूत्वा ना कभी होकर भविता हुआ है, ना इसने जन्म लिया है, वा न भूया ना आने वाले समय में कभी जन्म लेगा, अजो नित्या ये अजन्मा है, नित्या यानी हमेशा से ही है, हमेशा रहने वाला है, शाश्वतो अयम पुराणो और ये शाश्वत है, इसकी कभी मृत्यु नहीं होती, पुराणो ये सबसे अधिक प्राचीन है, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे और शरीर की मृत्यु होने के बाद भी ये शरीर में नहीं मरता है। आगे कहा है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार से वासांसि जीर्णानि कपड़ों के पुराने हो जाने पर, जीर्ण हो जाने पर, फट जाने पर, यथा विहाय जैसे उनको छोड़कर, नवानि गृह्णाति नरोपराणि मनुष्य जो है नए वस्त्रों को धारण कर लेता है, तथा शरीराणि विहानि विहाय जीर्णानि यानी उसी प्रकार से जो देही है, जो आत्मा है, एक शरीर के पुराने हो जाने पर, जीर्णशीर्ण हो जाने पर, न्याति संयाति नवानि देही और अन्य नए शरीर को धारण कर लेता है, ठीक वस्त्रों की भांति। ये जो है प्राकृतिक है, इसमें ये जो है बिल्कुल नेचुरल है। आगे कहा है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्या न शोषयति मारुतः। इसका अर्थ है कि जो आत्मा है, ये देही है, इसको कोई भी अस्त्र शस्त्र छिद्र नहीं कर सकते, खंड खंड नहीं कर सकते, इसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, नैनम दहति पावका इसको कोई कभी भी अग्नि जला नहीं सकती, न चैनम क्लेदयन्त्या ना इसको जल कभी भिगो सकता है, न शोषयति मारुतः ना ही इसको वायु कभी सुखा सकती है। ये आत्मा सब प्रकार से जो है शाश्वत है, सभी प्रकार के विकारों से रहित है। अगला श्लोक कहा है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारयते न तु शोचितुमर्हसि, यानी जिस जन्म लिए हुए की मृत्यु ध्रुव है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी अटल है, और मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च और जिसने जो मर गया है, जिसकी मृत्यु हो गई है, उसका जन्म भी होना है, तस्माद् परिहारयते तो इस विषय में न तु शोचितुमर्हसि तुमको शोक नहीं करना चाहिए। अगले श्लोक में कह रहे हैं, कर्मण्येव आदिकारस्ते मा फलेषु कदाचना मा कर्म फल हेतु भूमाते संगोस्व कर्मणि, यानी कर्मण्येव अधिकारस्ते हे अर्जुन तेरा कर्म करने में अधिकार हो, मा फलेषु कदाचना उसके फल में कदापि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मा कर्म फल हेतु भूमाते संगोस्व कर्मणि इस प्रकार से कर्म तो कर, तेरा कर्म करने में अधिकार हो, उसके फलों में कभी नहीं हो तो कर्म कर। अगले श्लोक में कहा है, क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यहाँ भगवान ने बताया है कि क्रोध करने से क्या होता है, क्रोधात् भवति सम्मोहात् क्रोध करने से सम्मोह हो जाता है, और सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा सम्मोहन हो जाने से स्मृति का नाश हो जाता है, हमारी मेमोरी खराब हो जाती है, हमारा मस्तिष्क जो है वो बेकार हो जाता है, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो और स्मृति भ्रष्ट होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का भी नाश हो जाता है। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायुः कर्मणा शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत कर्मणा, यानी जो भी कर्म तेरे लिए नियत किए गए इस मनुष्य शरीर के लिए वो कर्म को उसे उन कर्मों को तुझे करना चाहिए, कर्मों को छोड़ना कभी भी श्रेयस्कर नहीं माना गया, हर कर्म कहीं ना कहीं अपने में किसी न किसी पुण्य या पाप से लिप्त है, कोई भी मनुष्य जो है कर्म से विरक्त नहीं हो सकता, जिस प्रकार से अग्नि में धुआं है उसी प्रकार कर्मों में भी फल है।
अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवे तरुजना सयत प्रमाणं कुरुते लोकस तदनुवर्तते, यानी कि जैसा जैसा श्रेष्ठ मनुष्य आचरण करते हैं यद्यत आचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवे तरुजना, और मनुष्य जो है आम जन जो है वो उन्हीं का अनुसरण करते हैं, जो जो श्रेष्ठ महापुरुष पीछे करके चले गए हैं आज हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। सयत प्रमाणं कुरुते, वो जैसा प्रमाण प्रस्तुत करते हैं लोकस तदनुवर्तते, वही संसार में प्रसिद्ध हो जाता है, वही संसार में फॉलो करने के लिए वही बन जाता है। अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो कि इस पाठ का अंतिम श्लोक है, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशं मात्मना कामा क्रोधस तथा लोभस्य तस्माद् एतत् त्रयं त्रये, यानी तीन जो है नरक के द्वार है, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशं मात्मना, और ये आत्मा का नाश यानी मनुष्य का विनाश कर देते हैं, कौन कौन से तीन, कामा क्रोधस तथा, काम यानी काम वासना, लालच ईर्ष्या ये सारी की सारी बुरी वासनाएं, और क्रोध यानी गुस्सा, और लोभ यानी लालच, ये तीन प्रकार की जो वस्तु है, तीन प्रकार की जो दुर्गुण है वो हमें नाश की ओर ले जाते हैं और नरक का द्वार है। इस प्रकार से ये पाठ यहाँ पर संपूर्ण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।